लोग बात कहते हैं फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में, कि फंडामेंटल यूनिट उसको बोलते हैं जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता उसकी यूनिट को बोले फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड उसको बोलते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड करता है और उसकी यूनिट को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड। अब हम बताए थे आपको है सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट के अलावा एक अलग यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट है ये दो, एक है रेडियन और दूसरा है आपका स्टेरियन, एक है रेडियन और दूसरा है आपका स्टेरियन, ये सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन और स्टेरियन। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं रेडियन के बारे में फिर पढ़ेंगे एस्टेरेडियन के बारे में। तो रेडियन तो यूनिट, रेडियन क्या है यूनिट है जिसका उपयोग यूज किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में किया जाता है, तो आंसर है प्लेन एंगल। रेडियन का उपयोग हम लोग किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन एंगल समतल। रेडियन का उपयोग हम लोग समतल कोण मापने में करते हैं, या रेडियन प्लेन एंगल मापने, समतल कोण मापने में रेडियन का उपयोग किया जाता है। अब बात है कि प्लेन एंगल है क्या, तो देखिए प्लेन एंगल बोर्ड एक प्लेन है इस पर एंगल खींचे हैं ये क्या प्लेन एंगल, मान लें कि रेडियस आर और ये चाप की लंबाई है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई एल, तो ये थीटा मेजर करने का फॉर्मूला है थीटा बराबर एल वाई आर, और ये एल वाई आर हमेशा लिखा जाता है रेडियन, ये रेडियन। तो रेडियन एक यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसका यूज हम लोग प्लेन एंगल को मेजर करने में करते हैं, और ये प्लेन एंगल मेजर करने का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल वाई आर, एल है चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई और आर है रेडियस त्रिज्या, आर रेडियस त्रिज्या और ये फॉर्मूला थीटा बराबर एल बाई आर, इसका यूनिट क्या होता है रेडियन। तो जिसे मान लिया जाए कि आप एक सर्कल है, तो दोनों बात आप समझ सकते हैं कि सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनता है, तो लोग बोलते हैं टू पाई रेडियन, टू पाई रेडियन, इसे रेडियस मान लो कि आर है, तो पूरा ही सर्कमफेरेंस परिधि के बारे में अगर हम बात करें, पूरी परिधि के बारे में, सर्कमफेरेंस के बारे में, तो इसकी लंबाई कितना है टू पाई, तो टू पाई रेडियन ये थीटा हो गया, ये टू पाई आर इसका एल हो गया, तो देख लीजिए दोनों में क्या रिलेशन है थीटा और एल में, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई। एक सर्कल अपने सेंटर पर कितना को बनाते हैं तो टू पाई रेडियन, कैसे थीटा बराबर एल बाई आर, टू पाई आर इसका होता है सर्कमफेरेंस, आर हो गया टू पाई रेडियन, ये रेडियन प्लेन एंगल। तो कोई भी सर्कल के बारे में बात करते हैं, कोई भी अगर इस तरह का क्लोज कर्व हो, कोई भी क्लोज कर्व हो, ये बात फिक्स में काम आएगा, इसे हम रिपीट कर रहे हैं, कोई भी क्लोज कर्व हो वो अपने सेंटर पर टू पाई रेडियन का ही कोण बनाएगा। अगर आप ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल अपने सेंटर पर कितना बना रहा है टू पाई रेडियन, और अगर स्क्वायर के बारे में बात करें तो स्क्वायर अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है टू पाई रेडियन, कोई भी क्लोज लूप ये अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है टू पाई रेडियन, ये बात समझना, कोई भी क्लोज लूप हो किसी तरह का लूप तो हर एक अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं टू पाई रेडियन, टू पाई रेडियन, टू पाई रेडियन, ये प्लेन एंगल। तो इस पर थोड़ा सा एक दो पॉइंट और हम चर्चा करते हैं जो कि आपको फिजिक्स में काम आएगा, इसे रिलेटेड है प्लेन एंगल से ही। तो आप माने कि माने एक सर्कल है, क्या एक सर्कल है और ये सर्कल है तो रेडियस और ये भी रेडियस, ये आपका आर्क
अरे मान लीजिए कौन थीटा है, अरे बात मान लीजिए कि थीटा टेंस टू जीरो, इसको पढ़ते हैं थीटा टेंस टू जीरो, मतलब इसको पढ़ते हैं टेंस टू, और टेंस टू का मतलब होता है कि की ओ अग्रसर है, मतलब हम लिखे हैं कि थीटा जीरो की ओर अग्रसर है, थीटा टेंस टू जीरो, थीटा जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब थीटा बहुत छोटा है, जीरो के करीब है, जीरो हुआ नहीं, जीरो के करीब है, बहुत करीब है थीटा जीरो के, बहुत करीब, इतना करीब कि जो एल है ये हॉल का सा कर्व लगना चाहिए, टेढ़ा लगना चाहिए वक्र, लेकिन थीटा इतना करीब है कि देखने में एकदम सीधा लगेगा, और हम कह सकते हैं कि जो एंगल है 90 डिग्री, थीटा टेंस टू जीरो का मतलब हुआ, थीटा टेंस टू जीरो का मतलब थीटा जीरो के बहुत करीब है, और ये जीरो के बहुत करीब हो थीटा, तो एल कर्व नहीं स्ट्रेट दिखेगा, जब स्टेट दिखेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह समकोण त्रिभुज की तरह बिहेव करेगा, और इक्वल होगा इसका 90 डिग्री, अगर भी 90 डिग्री हुआ तो क्या कहलाएगा, कर्व के जैसा कहलाएगा, हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले क्या बोलेंगे, लंब के जैसा बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे बेस, आधार, और ये फॉर्मूला को पता है कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बाय आर, लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखिए, तो आप बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एल, मतलब एल बाई आर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, मतलब आर बाई आर, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब एल बाई आर, हम जानते हैं कि एल बाई आर बराबर थीटा और आर बाई आर बराबर वन, कहने का मतलब है कि आपसे भी बात समझ लीजिए, अगर इस तरह का आर्क बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब लोग मैं तो ही पढ़ोगे लेबिटिविट में कि थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा वाई थीटा बराबर वन, तो देखिए आप साइन थीटा बराबर है थीटा है, तो साइन थीटा वाई थीटा बराबर वन ही होगा, अगर टेन थीटा बराबर थीटा है तो टेन थीटा वाई थीटा बराबर वन ही होगा, इलिमिनेटिंग फॉर्मूला यूज करते हैं मैथ, तब वही समझना है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन इक्वल टू थीटा। अब जब 12th क्लास में आप पढ़ेंगे मिरर उरर के बारे में, तो मिरर क्या है, मिरर की तरह का तो चापी है, आर्क ही तो है, तो उसमें जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि अगर मिरर का अपार्चर, लेंस का अपार्चर, मतलब द्वारक जिसको बोलते हैं आप लोग, छोटा हो, तो अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा 12th क्लास में कि लेंस का अपार्चर छोटा हो, द्वारक छोटा हो, वहाँ लिखाया जाएगा यही से वैल्यू कि थीटा बहुत छोटा हो, तो सब समझ जाएगा कि अपने आप कि अच्छा ये बहुत छोटा है, जब ऐसा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, और 10th क्लास में पढ़ेंगे लेंस लॉ अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन में, कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, ये जो साइन आई है, साइन आर है, इसको आप लिख सकते हैं वहाँ टेन आई और टेन आर, ये समझ करके कि अपार्चर बहुत छोटा है, तो इस बात पर लाइट में भी काम आता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, और बहुत फीस भी बहुत कम आएगी, तो समझ लीजिए कि अगर बहुत आर्क बहुत छोटा हो, आर्क बहुत छोटा हो, ये भी समझिए और ये भी समझिए कि थीटा टेंस टू जीरो, दोनों में से कोई, और दोनों तो अगर आ जाएगा तो अच्छा बात है, थीटा टेंस टू जीरो या आर्क बहुत छोटा हो तो फॉर्मूला को यूज करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये हम कुछ बात आपको बताए रेडियन के बारे में, अगला टॉपिक है हमारा अष्टी रेडियन, चलिए देखते हैं अष्टी रेडियन के बारे में, अष्टी रेडियन तो यूनिट लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री यूनिट है अष्टी रेडियन, तो अष्टी रेडियन का उपयोग क्या मापने में किया जाएगा, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मापने में किया जाता है अष्टी रेडियन का यूज, थॉस कोण, बहुत सब में तो लिखा होता है घन कोण, थॉस कोण या घन मापने में हम लोग उपयोग करते हैं अष्टी रेडियन का। अभी थॉस कोण क्या है आप देखिए, मान लीजिए कि कुल्फी वाला जैसा है कोई शंकु, मान लीजिए आप आर्टिट्यूड का टोपी देखते हैं, होली में टोपी पहनते हैं ऐसा ही, तो इस तरह का कोई मान लीजिए डिजाइनिंग थ्री डायमेंशनल फिगर है, बोर्ड पर दिखाए भले हैं लेकिन बोर्ड पर खींच पाना संभव नहीं, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है बाहर दिखेगा, तो अगर इधर से आप देखें तो आपको यहाँ एक कोण जरूर दिखाई देगा, यही कोण है सॉलिड एंगल, यही कोण है सॉलिड एंगल,
इसको बोला गया सॉलिड एंगल। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या दिखाया, इसे मैंने बताया आपको, प्लेन एंगल के बारे में बताया आपको, थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला है। उसी तरह से सॉलिड एंगल का भी तो कोई फॉर्मूला होगा निकालने का। सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझिए आप। पहले सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा समझने के लिए आप एक बात को थोड़ा और समझिए, तो आपको सॉलिड एंगल के बारे में बेहतर समझ में आएगा। और पॉइंट है एरिया, पॉइंट है आपका एरिया के बारे में। जैसे हम एरिया बोलते हैं तो सबको लगता है एरिया मतलब क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड है ना। अब जिसका एरिया निकाल रहे हैं आखिर वही तो एक सरफेस होगा, जिसे हम बोले कि बोर्ड। तो बोर्ड रेक्टेंगुलर है, जो बोर्ड है मेरा रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, अलग बात है। तो इस बोर्ड का एरिया जो पूछे तो बोलेगा कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन बोले कि इस बोर्ड का एरिया का डायरेक्शन क्या है, तो फिर आपको सरफेस देखना पड़ेगा। हम इसलिए हम आपको बोल देते हैं कि हम बात कर रहे हैं आपको एरिया के बारे में नहीं, सरफेस एरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे हम। सरफेस एरिया, सरफेस को भी ध्यान देना है। इसे हम इस बोर्ड के बारे में बात करें, ये बोर्ड का सरफेस है, एरिया तो पता सबको लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा पहले से, जिसे हम लोग मैंने पढ़ते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। अदिश और सदिश के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन अभी चल रहा है, इसके बाद जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें तो ही पढ़ाया जाएगा स्केलर और वेक्टर के बारे में, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अगर नहीं पता है तो आप सुनिए कि अदिश राशि मतलब स्केल है, उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे कि किसी आदमी का मास, किस आदमी का मास कितना है भाई, तो 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 40 किलो है, किस आदमी का मास है। बोले कि मास का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, बात हुआ नहीं कि मास का डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से जिसमें डायरेक्शन वाली बात नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलर, जिसमें डायरेक्शन वाली बात है उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। बाकी डिटेल्स हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सेलर और वेक्टर के बारे में। तो हम लोग यहाँ बात करें सरफेस एरिया के बारे में, और सरफेस एरिया क्या है ना कि वेक्टर। और ये जो सरफेस एरिया भी दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज। सरफेस एरिया भी दो तरह होते हैं, ओपन और एक क्लोज होते हैं। ओपन मतलब जो खुला हुआ, क्लोज मतलब जो बंद है। जैसे हम एक दीवार के बारे में बात करें, कहीं एक दीवार आप देखिए, सिर्फ एक सिंगल दीवार, तो दीवार ओपन है। लेकिन अब एक कमरा के बारे में बात कीजिए तो कमरा क्लोज है। अगर आप सिंगल दीवार के बारे में बात करते हैं, कोई दीवार के बारे में है ना, तो आप एक स्क्वायर के बारे में बात कीजिए, वर्ग स्क्वायर के बारे में, आप एक स्क्वायर के बारे में बात कीजिए, ये ओपन है। लेकिन आप एक क्यूब के बारे में बात कीजिए, एक घन के बारे में बात कीजिए, क्लोज है। ज्यादा हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे इस बात का, थोड़ा बहुत खाली बताने जा रहे हैं बस। तो ओपन हो गया, क्लोज हो गया। तो कहता है कि ओपन जो सर्फेस है उसका जो एरिया होता है उस सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है। पहला बात आप समझ लें कि कोई भी सरफेस एरिया होता है वेक्टर होता है, इस साइड का बात है, फिर हम स्टेडियम में आएंगे तो स्टेडियम को समझने के लिए इस बात थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो सरफेस एरिया होता है वेक्टर होता है, और ये दो ओपन और क्लोज, और ओपन क्लोज का मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो कि ओपन है और ये क्लोज है। तो जो सरफेस एरिया ओपन है उसका एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, क्लोज का सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पहला बात तो समझ लें कि सरफेस एरिया वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन है perpendicular to surface, perpendicular to surface है, surface area vector है, उसमें direction है, उसका direction perpendicular to surface है। लेकिन किसी भी surface के ना दो perpendicular होते हैं, मान लीजिए surface इसके दो perpendicular हैं, एक up और एक down, किसी भी surface के दो perpendicular होते हैं। तो close में क्या है ना कि हमेशा बाहर की ओर होता है, outside लेना है perpendicular। इसमें क्या है कि दोनों में से किसी तरफ ले लें, बस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाहर ने अंदर कोई दिक्कत नहीं, मतलब आउटसाइड या इनसाइड। मैंने सरफेस से आपको पूछे कि एरिया कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब बाहर भी, या बोले तो इसके अंदर, दोनों चलेगा। लेकिन इस क्यूब के बारे में आप अंदर नहीं बोल सकते, सिर्फ बाहर, मतलब इस तरह वाला सरफेस का इधर, इस तरह का सरफेस का इधर, इस तरह वाले सरफेस का इधर, इस तरह वाले सरफेस का इधर, पीछे वाले सरफेस का पीछे, नीचे वाले सरफेस का नीचे। अभी कुछ कुछ बात समझ में आया होगा, बाकी डिटेल फिर बाद में।
आगे जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हमें कुछ थोड़ा बहुत स्टूडेंट को समझाने के लिए थोड़ा बहुत बताए तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया क्या लेते हैं, इसमें डायरेक्शन होते हैं और जो डायरेक्शन होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब बात रहा कि सरफेस एरिया दो तरह के हैं, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन सरफेस का ना दो पेंड ऐसे और ऐसे, तो दोनों में से कोई डायरेक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर सरफेस क्लोज है तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमेशा बाहर क्यों अंदर क्यों नहीं लेना, क्लोज। और ओपन में आप बाहर ले सकते हैं अंदर ले सकते हैं। चलिए बात है अपने टॉपिक पर, अस्थि रेडियन सॉलिड एंगल पर। त्रिभुज एक सरफेस है तो इस सरफेस का भी तो अपना एक एरिया माने सरफेस है, जिसका भी अपना एरिया होगा। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, प्लेन। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसका सरफेस है, तो इस सरफेस का अपना एक एरिया होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये बता दें कि जैसे कि माने एक डिस्टेंस आर हो, माने डिस्टेंस आर है और ये जो प्लेन है, ये प्लेन है ना आर के परपेंडिकुलर है। प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू आर है, प्लेन परपेंडिकुलर टू आर। ये जो आर है ना इसके परपेंडिकुलर ही प्लेन रखा हुआ है। तब जब ये प्लेन, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर टू आर नहीं है तो ये कोण ले ले, हमेशा वही वाला एरिया लेना है जो इस आर के परपेंडिकुलर है। हम लिख दिए जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू आर है, परपेंडिकुलर टू आर, तब इसका एरिया लिख दिया। तब इसका एरिया डायरेक्शन जो भी, मान लो इसका एरिया डी ए है, मान लो इसका एरिया डी ए है, डी ए है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा। ये का डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो कोण बना सॉलिड एंगल, अगर हम इसको फाई मान लें तो लिखा जाएगा कि फाई इज इक्वल्स टू डी ए बाई आर स्क्वायर, ए डिफाइन है। चल छठे बराबर एल वाई उसे, ये जो फाई, इसको फाई बोलते हैं फाई। तो ये जो सॉलिड एंगल को फाई माना, थीटा नहीं माना, क्योंकि थीटा माना हुआ था रेडियन में तो बार बार एक ही को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो सॉलिड एंगल को फाई से लिखे। तो फाई इज इक्वल्स टू डी ए बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये बात आपको याद रहे कि जो डी ए है परपेंडिकुलर टू आर है। मतलब हम तो ऐसे बोलते हैं कि सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू आर। अब आई आर ऐसे रहते कि सॉलिड एंगल बराबर एरिया ऑफ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू आर बाई आर स्क्वायर, आर के परपेंडिकुलर वाले सतह का क्षेत्रफल बाई आर स्क्वायर। ये आपका सॉलिड एंगल। तो बेसिक फॉर्मूला हुआ फाई इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। अब आपको मेन मुद्दा पर लेके आते हैं कि मान लीजिए कि एक स्फीयर, ये स्फीयर है, सर्कल मत समझिएगा, ये एक स्फीयर है। हम तो बोलते हैं कि समझिए कि फुटबॉल है, स्फीयर है फुटबॉल। तुम्हारे पास एक बड़ा सा फुटबॉल है, समझिएगा बात को जरा ध्यान से। तुम्हारे पास एक बड़ा सा फुटबॉल है ठीक, हम क्या किए कि उस फुटबॉल पर ध्यान समझिएगा तो बहुत अच्छा से पता चलेगा। हमारे पास फुटबॉल है, बड़ा सा फुटबॉल ले लिए, हाथ में से ले लिए फुटबॉल को और एक पेन से फुटबॉल पर छोटा 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 सर्कल बनाना शुरू कर दीजिए। फुटबॉल पर छोटा 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 सर्कल बनाना ऐसे शुरू कीजिए। हम तो बस लाइन पर ही दिखा सकते हैं क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर तो हम दिखा नहीं सकते। तो एक फुटबॉल है उस पर आप मतलब पेन से छोटा 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 रिंग बनाना शुरू कीजिए, बहुत छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा आप रिंग बनाएगा नहीं तो फिर ऐसे जब बनाएगा बहुत बड़ा बड़ा रिंग तो बीच में गैप बच जाएगा तो पूरा फुटबॉल कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा बनाना है, नहीं तो फिर बड़ा बड़ा बनाएगा फुटबॉल का, तो बड़ा बड़ा घेरा बनाएगा तो बीच का कुछ हिस्सा फुटबॉल का बचा रह जाएगा। तो मतलब ठीक से नहीं समझा पाएंगे। तो एक बड़ा सा फुटबॉल था और हमने उसमें छोटा छोटा बनाना शुरू किया रिंग जैसा, वृत्त जैसा, और सभी का एरिया कितना माना जाए डी ए, सभी का जितने भी आपने रिंग बनाया उस पर फुटबॉल पर गोला, मैंने गोला ने वृत्त बनाया सर्कल बनाया सबका एरिया डी ए मान। तो सभी जो डी ए है अपने सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बनाते हैं, ये भी अपने सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बनाता होगा, ये भी अपने सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बनाता होगा, ये भी अपने सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बनाता होगा।
असरकारी दूरी कितना हुआ? आगे हुआ, सब आगे है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपने जितना उस गोला पर रिंग बनाया है, वृत्त की तरह बनाया है, उस वृत्त के बारे में सिर्फ सोचिए तो वृत्त अपने सेंटर पर जाकर के एक सॉलिड एंगल बनाता होगा। इसको एक कुल्फी समझिए और ये जो सर्कल है इसको आप यहां समझिए कि एक गोला पर हमने जो रिंग बनाया है छोटा सा वृत्त, वही वाला वृत्त है और ये गोला का सेंटर है। तो हर एक जो वृत्त आप मतलब गोला पर बनाए हैं, फुटबॉल पर बनाए हैं, वो हर एक अपने अंदर जाकर एक सॉलिड एंगल बनाए और उस सॉलिड एंगल का वैल्यू होगा dA/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 
सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाता होगा, तो उस स्फीयर पर जितना आपने रिंग बनाया है, जितना आपने रिंग बनाया है एकदम पूरा बारीकी से, तो हर एक रिंग अपने सेंटर पर बना रहा होगा da/r² 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 तो सेंटर पर जो कुल कोण बनेगा वो तो da/r² da/r² जुड़ता ही चला जाएगा, जितना रिंग आप बनाए उतना बार, तब जाकर यहाँ पर जो कोण बनेगा सॉलिड एंगल का वैल्यू आएगा, तो da/r² da/r² जुड़ता चला जाएगा। मान ले जाए कि आपके पास जो फुटबॉल था उस पर आपने 100 बार ऐसे रिंग बनाया, 100 बार ऐसे पूरा फुटबॉल कवर, इसका मतलब 100 बार लिखेगा da/r² 100 टाइम। अब क्या है कि 1/r² यहां से कॉमन ले ली थी और da को आप कितना बार जुड़िएगा 100 टाइम। अब da 100 टाइम जुड़िएगा तो पूरा फुटबॉल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि पूरा फुटबॉल पर ही तो 100 बार बना हुआ है, 100 बार पूरा फुटबॉल पर ही बना हुआ है और हर एक एरिया डीए है, तो पूरा फुटबॉल का एरिया कितना हुआ 100 डीए। तो ये 100 डीए का मतलब कितना 4πr² आपको पता है कि किस स्फीयर का एरिया होता है 4πr² तो ये डीए 100 जुड़ेगा तो आएगा 4πr² स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर, गोला के वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर आएगा r/r². इस प्रकार से कितना आया ये 4π। इसका मतलब एक स्फीयर अपने सेंटर पर कितना कोण बनाते हैं तो बोलेंगे 4πr², जबकि एक वृत्त सर्कल अपने सेंटर पर कितना कोण बनाते हैं बोलेंगे 2π।